गुड मॉर्निंग क्लास 5th, दिस इज आवर इंग्लिश बुक डैफोडिल्स मेन कोर्स बुक ऑफ इंग्लिश रीडर। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 9 द मेमोरेबल जर्नी डिस्कस किया था। सॉरी, हमने इसकी जस्ट एक रीडिंग ली थी, आज हम इसको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नैरेटिव। इट वॉज अ मेमोरेबल जर्नी विद माई मदर। ये एक यादगार जर्नी थी मेरी माँ के साथ। लेट मी टेक यू अलोंग टू मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। मैं तुम्हें ले चलता हूँ मुंबई रेलवे स्टेशन, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। इट वॉज 1930, समय था 19:30। ओनली 15 मिनट्स वर लेफ्ट फॉर द मुंबई न्यू दिल्ली राजधानी टू डिपार्ट। केवल 15 मिनट बाकी थे मुंबई से दिल्ली न्यू दिल्ली राजधानी जाने में। माई डैड वॉज नर्वस बिकॉज माई मदर वॉज ट्रेवलिंग विद मी एंड विदाउट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। मेरे पापा घबराए हुए थे क्योंकि मेरी माँ ट्रेवल कर रही थी मेरे साथ, और ऐसा पहली बार था जब उनके बिना हम ट्रेवल कर रहे थे। तो बिना पापा के हम फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे थे, ऐसा नैरेटर बताना चाहता है। तो सीन 1 स्टार्ट होता है एट द रेलवे स्टेशन। सीन कहाँ का है? रेलवे स्टेशन का। डैडी आई हैव सेट योर लगेज अंडर योर बर्थ। मैंने तुम्हारा सामान तुम्हारे सीट के नीचे रख दिया है। बर्थ क्या होता है? जो ट्रेन में सीट्स होती हैं सबसे नीचे, फिर बीच में मिडिल बर्थ, और सबसे ऊपर जो सीट होती है लेटने वाली, तो उनको बर्थ बोलते हैं, ठीक है। सो बी कंफर्टेबल, तो आराम से बैठ जाओ। आई विल कॉल यू एवरी नाउ एंड देन, मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा अभी भी और बाद में भी। मम्मी डोंट वरी वी विल बी फाइन, चिंता मत करो हम ठीक होंगे। तान्या यस वी विल बी फाइन डैडी, हाँ हम ठीक होंगे पापा। द ट्रेन विसल्स अ सिग्नल फॉर डैड टू गेट डाउन। ट्रेन एक सीटी बजाती है ताकि एक सिग्नल देती है ताकि पापा नीचे उतर जाएं कि ट्रेन स्टार्ट होने वाली है। ही वेव्स विद अ वरीड फ्रॉन ऑन हिज फेस। वेव का मतलब होता है हाथ हिलाना, बाय करते हैं जो, और फ्रॉन का मतलब होता है बहुत, मतलब दुखी होने के कारण हम क्या करते हैं, त्योरी चढ़ा लेते हैं, अपनी बोहों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो वो अपना हाथ हिलाते हैं, हमें बाय करते हैं, पर उनके फेस पे एक डर होता है, चिंता होती है। तान्या व्हाट फनी मम्मी, व्हाट फन मम्मी, द ट्रेन हैज पिक्ड अप स्पीड ऑलरेडी। कितना मजेदार है मम्मी, ट्रेन ने अभी से पहले ही स्पीड पकड़ लिया है। मम्मी यस बी केयरफुल व्हाइल वॉकिंग अराउंड, हाँ पर ध्यान से इधर उधर घूमते समय ध्यान से। A rich aroma filled our compartment as the stewards brought soup. एक बहुत मीट अरोमा होता है, खुशबू को बोलते हैं। तो एक मीठी सी सुगंध जो बहुत ही बढ़िया हो वो हमारे कंपार्टमेंट में भर गई। कंपार्टमेंट डब्बा होता है, ट्रेन के डब्बे को कंपार्टमेंट बोलते हैं। तो कंपार्टमेंट में भर गई, जैसे ही स्टूवर्ड क्या होता है, जो खाने का अरेंजमेंट करता है, ठीक है। तो खाना ले जो रखता है वो सूप लेके आया, तो उसके कारण एक मीठी सी खुशबू पूरे कंपार्टमेंट में फैल गई। द TTE मैंने आपको बताया था, ट्रेवल टिकट एग्जामिनर, जो टिकट चेक करता है ट्रेन में उसको TTE बोलते हैं। द TTE arrives with a pleasant smile. He checks tickets along with photo ID cards and leave. तो TTE आया और एक उसके मुंह पे एक मुस्कुराहट थी, उसने टिकट चेक की हमारी फोटो ID के साथ और फिर वो चले गया। मम्मी बी केयरफुल विद द सूप तान्या, ध्यान से सूप को ध्यान से रखना है तान्या। इट इज स्ट्रीमिंग हॉट, ये बेहद गर्म है, इसमें से भाफ निकल रही है। यूज द फूड टेबल, फूड टेबल का इस्तेमाल करो, सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाओ। डू यू वॉन्ट हेल्प, क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? तान्या नो मम्मी आई विल मैनेज, नहीं मम्मी मैं देख लूंगी। मम्मी स्माइल्स ऑल राइट, तो मम्मी मुस्कुराते हुए कहती हैं ठीक है। तान्या व्हाट्स द मैटर मम्मी, यू लुक डल, क्या बात है मम्मी आप दुखी दिखाई दे रही हैं, बुझी बुझी दिखाई दे रही हैं। मम्मी नो तान्या आई एम फाइन, नहीं तान्या मैं ठीक हूँ। एज द सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक प्लेज इन द बैकग्राउंड फूड इज सर्व, पीछे एक मधुर संगीत चल रहा था बैकग्राउंड में और फूड बांटा जा रहा था, फूड दिया जा रहा था। तान्या लवली फूड बट द बेस्ट इज द आइसक्रीम, व्हाट फन। तो तान्या कहती है कि बहुत अच्छा खाना, बहुत टेस्टी खाना था, पर सबसे बेस्ट क्या था? आइसक्रीम, बहुत मजा आया।
After eating food, I climbed to my topmost berth and settled with the latest Tintin comic that I had purchased from the bookstall at the railway platform, and mummy settles down in the middle berth. तो खाना खाने के बाद तान्या ऊपर चली गई, कहाँ पे, जहाँ उसकी सीट थी, सबसे ऊपर वाले बर्थ में, और वहां आराम से अपनी टिनटिन कॉमिक जो कि उसने रेलवे स्टेशन पे परचेज की थी उसको ले गई, और उसकी मम्मी बीच वाले मिडिल बर्थ में, यानी कि जो बीच वाली सीट होती है ट्रेन में, उस पे बैठ गई, लेट गई. ठीक है. अराउंड मिडनाइट द ट्रेन कम्स टू इट्स फर्स्ट स्टॉप. आधी रात के पास ट्रेन अपने पहले स्टॉप के पास पहुंची. I climbed down and peep out into the darkness of the night to read the signboard that says Surat. तो तान्या कहाँ आई, नीचे आई, और peep out का मतलब होता है झांक के देखना. तो बाहर निकल के देखती है अंधेरे में से, कि रात के अंधेरे में ये पढ़ने की कोशिश करती है कि साइनबोर्ड पे क्या लिखा होता है और क्या लिखा होता है सूरत. But suddenly I hear a groan. पर अचानक से उसे कराहने की आवाज सुनाई दी. Someone tosses in darkness. कोई हिल रहा था अंधेरे में. Another painful ground. एक बार फिर से करहाने की आवाज सुनी. I peep carefully to find out it's my mother. मैंने ध्यान से देखा और मुझे पता चला कि वो मेरी माँ थी. तान्या, what happened, mummy? Are you in pain? क्या हुआ मम्मी? क्या आप दर्द में हो? क्या आप तकलीफ में हो? मम्मी, yes, it's worse now. हाँ, अब बहुत बुरी तरह और भी बढ़ गया है. I took a painkiller, but there is no relief at all. मैंने एक दर्द की गोली भी ली, पर उससे भी कोई आराम नहीं हुआ. तान्या, shakes a gentleman on the lower berth. नीचे एक आदमी था, एक सज्जन पुरुष था, उसका हाथ उसने उसको हिलाते हुए बोला, अंकल, I am sorry for disturbing you in the middle of the night, but please exchange your berth. My mother is in pain. तो उसने क्या कहा, अंकल, मैं आपको आधी रात को तंग कर रही हूँ, इसके लिए माफी, पर आप मेरी मदर के साथ सीट एक्सचेंज कर लो, मेरी माँ दर्द में है. स्ट्रेंजर, यस ऑफ कोर्स, व्हाट्स द मैटर, कैन आई हेल्प. तो कहते हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्या बात है, क्या मैं कुछ मदद करूँ. तान्या, अंकल, शी टुक अ पेन किलर बट इट डिड नॉट वर्क. अंकल, उन्होंने एक पेन किलर ली है, पर उससे कोई आराम नहीं हुआ, उसने कोई आराम नहीं किया. In such a big train, I am sure we can find a doctor. इतने बड़ी ट्रेन में हम, मुझे पक्का पता है कि हम किसी ना किसी डॉक्टर को ढूंढ लेंगे. Stranger, good idea. Make your mother comfortable. अच्छी बात, अच्छा विचार है, अपनी माँ को आराम से लिटा दो. I will ask the TT to make an announcement. मैं TT से बोलता हूँ कि वो एक अनाउंसमेंट करे. After some time, there is an announcement. कुछ देर के बाद एक अनाउंसमेंट हुई. A sleepy steward appears with a tablet. जो स्टीवर्ड होता है, जो खाना प्रोवाइड करने वाला होता है, आपको पहले भी बताया, तो वो जो सो रहा था वो आता है एक टैबलेट लेके. स्टीवर्ड, If it is indigestion, then this will surely give relief. अगर ये इंडाइजेशन है, अपच की बीमारी, यानी कि खाना अच्छे से नहीं पचा है, तो ये दवाई आराम करेगी. But the condition does not improve. पर कोई भी फायदा नहीं हुआ. A doctor appears from another compartment. दूसरे compartment से एक doctor आया. Doctor, let me examine madam. मैं देखता हूँ madam. Oh, it is the pain travelling from the front towards the back. Oh, ये दर्द है जो कि आगे से पीछे की तरफ चले गया है. Did you eat fish or egg today or last evening? क्या आपने कोई मछली खाई या फिर अंडे खाए हैं आज या कल शाम? मम्मी, ओह, इट इज अनबियरेबल. हाय, ये असहनीय है. यस, आई हैड बॉइल्ड एग्स बिफोर बोर्डिंग द ट्रेन. हाँ, मैंने ट्रेन के आने से पहले उबले हुए अंडे खाए. एग्स डोंट सूट मी, बट आई हैड वेरी लिटल. एग, अंडे मुझे सूट नहीं करते, पर फिर भी मैंने थोड़े से खा लिए. डॉक्टर टर्न्स टू टी टी की तरफ मुड़ता है. कैन वी गेट मेडिकल हेल्प? क्या हमें दवाइयाँ मिल सकती हैं? टी, यस सर, हाँ सर, आई विल कॉल फॉर हेल्प. मैं मदद के लिए फोन कर देता हूँ. कॉल्स अप बड़ोदरा रेलवे स्टेशन, और वो बड़ोदरा के रेलवे स्टेशन पे फोन करते हैं. टीटी, हेलो सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम मुंबई न्यू दिल्ली राजधानी. तो टीटी क्या बोलता है कि हेलो सर, मैं मुंबई न्यू राजधानी दिल्ली से, सॉरी, मुंबई न्यू दिल्ली राजधानी से बोल रहा हूँ. इन एन आवर वी विल रीच बड़ोदरा. एक घंटे में हम बड़ोदरा पहुँच जाएंगे.
देयर इज एन इमरजेंसी, यहाँ एक इमरजेंसी है, काइंडली अरेंज फॉर अ डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल, तो जल्दी से एक डॉक्टर को अरेंज कर दीजिए, जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी. After a while, the phone rings. कुछ क्षणों के बाद फोन फिर से बजता है. टीटी, हेलो, यस डॉक्टर, जस्ट अ मिनट. हैंड्स ओवर द फोन टू द डॉक्टर इन द ट्रेन. हेलो, हाँ डॉक्टर, एक मिनट. और वो अपने फोन को जो ट्रेन के अंदर डॉक्टर होता है उसे दे देता है. डॉक्टर, मैडम, इट इज एन एलर्जिक रिएक्शन. तो डॉक्टर क्या बोलता है कि ये एक एलर्जिक रिएक्शन है. The patient had eggs and has several pain in the stomach. तो पेशेंट ने अंडे खाए थे और उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है. There is no fever or vomiting. कोई फीवर नहीं है ना कोई वॉमिटिंग हुई है, यानी कि उल्टी भी नहीं है और बुखार भी नहीं है. But several spasms for the last half an hour has worsened her condition. पर पिछले एक घंटे से उसके पेट में जो मरोड़ी है या ऐंठन बन चुकी है उसे बहुत दर्द हो रहा है पिछले आधे घंटे से और अब कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो गई है. डॉक्टर टर्न्स टू पेशेंट, पेशेंट की तरफ मुड़ता है. मैडम जस्ट बियर इट फॉर एन आवर कि मैडम बस एक घंटा और सहन कर लीजिए. द ट्रेन स्टॉप्स एट वडोदरा, ट्रेन वडोदरा रुकती है. मम्मी ओपन्स हर आईज टू फाइंड अ लेडी डॉक्टर स्माइलिंग एट हर. मदर अपनी आईज को ओपन करती है तो एक डॉक्टर लेडी डॉक्टर होते हैं जो कि स्माइल कर रही होती है उसकी तरफ. लेडी डॉक्टर एग्जामिन्स हर थरली, लेडी डॉक्टर उसे अच्छे से एग्जामिन करती हैं. प्लीज इन फ्यूचर नो एग्स, कृपया भविष्य में कोई अंडे नहीं खाने. ठीक है, डिड यू एक्सपीरियंस दिस बिफोर, क्या तुमने कभी पहले ऐसा महसूस किया है. मदर नॉड्स एंड सिग्नल्स वंस, तो मदर सिर हिलाती हैं और इशारे में बताती हैं. द डॉक्टर गिव्स इंजेक्शन, तो डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं. तान्या कम फॉरवर्ड, इट इज सीरियस. तान्या आगे आती है, आगे की तरफ आती है और कहती है क्या ये सीरियस है. लेडी डॉक्टर कहती है नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल नहीं. शी विल बी फाइन इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर, वो अगले आधे घंटे में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी. सीन टू, तो अभी नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है और नया सीन स्टार्ट होता है. मम्मी wakes up and looks around to see Tanya by her side. I am fine, darling. How are you? तो मम्मी अपनी आंखें खोलती हैं और इधर उधर देखती हैं. Tanya उनके साइड में बैठी होती है और वो कहती हैं कि मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो. Tanya कहती है fine, मैं भी ठीक हूँ. Steward comes with a special light breakfast and a cup of tea. Steward आता है एक हल्के से डिनर के साथ और एक कप चाय के साथ. मम्मी स्माइल, मम्मी खुश होती हैं. आई रिमेम्बर यू हैड गिवन मी अ टैबलेट, और कहती हैं कि मुझे याद है आपने मुझे एक दवाई दी थी. स्टीवर्ड यू शुड फील प्राउड ऑफ योर डॉटर, आपको अपनी बेटी पर गर्व होना चाहिए. शी वॉज वरीड बट पेशेंट, वो डर गई थी पर फिर भी शांत थी, मतलब हड़बड़ाई नहीं. शी सी हाउ शी मैनेज इट ऑल, और देखो कैसे उसने सब कुछ मैनेज कर लिया. Stranger, yes ma'am, I must say you have a strong child. और एक अजनबी कहता है कि हाँ मैडम, मैं भी जरूर ये बात कहूँगा कि आपकी एक बहुत ही शक्तिशाली बेटी है या एक बहुत ही निडर बच्ची है. मम्मी but first I must thank all of you, पर पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. Tanya did not panic because everybody had so much. Tanya इसीलिए नहीं डरी क्योंकि आप सब ने बहुत मदद करी, सभी ने बहुत मदद की. तान्या नाउ टेक मेडिसिन, अब दवाई ले लीजिए. डैडी कॉल्ड अप, डैडी का फोन आया था. आई टोल्ड हिम यू आर इन द वॉशरूम, और मैंने उन्हें कहा कि आप वॉशरूम में हो. वाई गेट हिम वरी, क्यों उन्हें चिंता में डालना, क्यों उन्हें परेशान करना. मम्मी यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो. द ट्रेन रीच न्यू दिल्ली ऑन टाइम, और ट्रेन न्यू दिल्ली समय पर पहुंच गई. तो ये एक नरेशन थी जो कि गीता चड्डा यादव ने लिखी थी. तो आई होप आपने इंजॉय किया होगा और नेक्स्ट क्लास में हम इसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन डिस्कस करेंगे. अभी आप अच्छे से स्टोरी को दोबारा से पढ़ेंगे और खुद से इनको फिलअप करने की कोशिश करेंगे. ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.